जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव की कृपा से आप स्वस्थ एवं सुखी रहें, यही मनोकामनाएं केपी की वाणी की टीम की तरफ से है। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है, और यह जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में भी बताए जाते हैं और व्यक्ति विशेष के लिए जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप बहुत परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, और आपने कई ज्योतिषों से सलाह भी ले ली है, तत्पश्चात भी आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आपके रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार आप केपी की वाणी से भी अवश्य संपर्क कर लें और यकीन जानिए यहाँ पर आपको सही जानकारी दी जाएगी, और जो भी जानकारी दी जाएगी उस तिथि पर उस वर्ष में शादी निश्चित ही हो जाएगी। हजारों कुंडलियां बनाई गई हैं और सैकड़ों जातकों को इससे लाभ भी प्राप्त हुआ है। आज वे वैवाहिक जीवन सुखमय ढंग से बिता रहे हैं, कई जातकों की शादी हो भी गई है, कई जातकों की शादी आने वाले समय में होने वाली है। तो आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप चिंतित ना हो, वीडियो को थोड़ा सा आप स्लाइड कीजिए, नीचे आए और वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं और केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। यकीन जानिए सत्य और सत्य जो है और सटीक यह जानकारी आपको केपी की वाणी से अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, शादी तय होने वाली है, शादी तय हो चुकी है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसा मैंने आपको बताया 8521835670, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सावन का महीना जो है वो बेहद खास होता है, और सावन के महीने में जो है सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता जिन्होंने ग्रहों का निर्माण किया है वो स्वयं ही धरती पर विराजमान हो जाते हैं, और इसके चलते जो है सभी अशुभ ग्रह जो है देवों के देव महादेव की पूजा और उपासना में लग जाते हैं। और जब कोई साधक सावन के महीने में भगवान शिव जी के शरण चरण में रहकर उनकी विधिवत पूजा उपासना करता है तो समस्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव तत्काल से ही क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो सावन का महीना बेहद खास होता है। हालांकि धर्म शास्त्रों के अनुसार से जब भगवान क्षीर सागर में सोने चले आते हैं, भगवान विष्णु जगत की पालनहार, तब कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन महादेव की कृपा से आपके रिश्ते अवश्य ही तय हो सकते हैं, सगाई कार्यक्रम आप कर सकते हैं। केवल और केवल विवाह नहीं हो सकता है, विवाह चतुर्मास समाप्त होने के पश्चात होता है, लेकिन सगाई हो सकती है, रिश्ते तय हो सकते हैं। तो सावन का महीना बेहद ही खास होता है। इस महीने में अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं तो आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको राशि अनुसार से पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको सावन के महीने में बुध के राशि परिवर्तन से जिन तीन राशि के जातकों के सगाई के योग बन रहे हैं, उनके शादी फिक्स होने के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दूंगा, और ऐसा बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन के चलते
हो रहा है। तो उससे पहले मैं आपको राशि अनुसार से पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय बताऊंगा। आप यकीनन इन उपायों को कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बुध के बारे में बताऊंगा, ग्रह के बारे में, फिर शुक्र के बारे में, और फिर तीन राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कैसे उनकी शादी कब कहां कैसे किससे किस दिशा में कितनी दूरी पर हो सकती है। तो वीडियो में बने रहे। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, सावन के महीने में जो है भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव और जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से विधि विधान से हृदय पूर्वक देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करते हैं, उनका नाम मत स्मरण करते हैं, तो यकीनन आप पर उनकी कृपा बरसेगी ही बरसेगी और जो भी आपकी मनोकामनाएं होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो सावन के महीने में जो है प्रतिदिन शिव जी की उपासना पूजा कीजिए और विशेष अवसर जैसे कि सावन शिवरात्रि, सावन सोमवार और सावन के मंगलवार के दिन जो है मंगला गौरी व्रत, प्रदोष व्रत, इन तिथियों पर जो है भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भगवान भोलेनाथ एकदम भोले हैं, बेहद दयालु हैं, वे भक्तों पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। चंद विधि विधानों से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी कृपा के चलते जो है रावण जो है बेहद शक्तिशाली हुए। उनके जो है शुक्राचार्य जो है जो जिन्हें संजीवनी मंत्र ज्ञात हुआ और उस मंत्र के जरिए जो है उन्होंने बहुत से दानवों को जो है पुनर्जीवित कर दिया था। तो संजीवनी मंत्र के जाप से जो है व्यक्ति सभी प्रकार के काल दुख कष्ट से दूर हो जाता है या मुक्त हो जाता है। तो उनके जो भी भक्त रहे हैं उन पर उनकी कृपा अवश्य बरसे ही है। वर्तमान समय में भी आपने देखा होगा कई ऐसे जातक हैं जिन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है, ऐसा उनकी सच्ची श्रद्धा के चलते होता है और वो अपने क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हासिल करते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं सावन के महीने में, तो राशि अनुसार से मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उन उपाय को अवश्य कीजिएगा और इन उपायों को करने से शिव जी अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि भगवान शिव महज अभिषेक से यानी अगर आप सच्ची श्रद्धा से भावे ही देवस्य विद्यमान यानी अगर भाव रख कर भगवान शिव को स्नान ध्यान के पश्चात एक लोटा जल अगर अर्घ देते हैं तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। तो आपको मेष राशि से मीन राशि तक की पहले जानकारी देता हूं कि कैसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो चूंकि आपकी राशि मंगल है तो आपको क्या करना है कि गन्ने के रस में शहद मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप अगर यह उपाय करते हैं तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करने में यकीनन सफल होंगे। वृषभ राशि के जो जातक है उनके राशि स्वामी कौन है, शुक्र है। तो अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, वृषभ राशि के जातक हैं, तो दूध दही से आप भगवान का अभिषेक करें और उनसे सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करें। अगर आप अविवाहित हैं तो शीघ्र विवाह की कामना करें, अवश्य आपको फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, तो आप शुद्ध जल में लाल फूल और बेल पत्र मिलाकर अभिषेक करें, इससे भी आपको अवश्य फायदा होगा। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा भगवान शिव के शीर्ष पर विराजमान है, तो आप जो है भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करें तो चंद्रमा भी मजबूत होगा और शिव जी प्रसन्न होंगे। आप अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप दूध दही खीर मक्खन आदि चीजें उन्हें अवश्य भोग में भेंट करें, साथ ही इन चीजों का भी दान कर सकते हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है, तो आप सूर्य को मजबूत करने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए जल में जो है गुड़ डालकर जो है उन्हें अभिषेक करें, तो इससे आपको अवश्य फायदा प्राप्त होगा। कन्या राशि के जो जातक हैं इनके राशि स्वामी बुध हैं, तो आप गंगा जल में जो है काले तिल मिलाकर जो है शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे भी कन्या राशि के जातकों को फायदा प्राप्त होगा। वहीं तुला राशि के जातक के भी राशि स्वामी शुक्र हैं, तो आप जो है जल में दही दूध और मक्खन आदि चीजों को मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करें और उन्हें धतुरा अर्पित करें, तो इससे भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। और वर्तमान समय में तुला राशि के जातकों पर वैसे भी प्रसन्न ही है महादेव, इसके लिए उनके विवाह के योग हैं। वृषभ राशि के जातक के मंगल ग्रह जो है उनके राशि स्वामी हैं, तो आप जो है शहद से उनका अभिषेक कर सकते हैं। जल में शहद और सुगंध डालकर जो है वृषभ राशि के जातक
शिव जी का अभिषेक करें। धनुराशि के जो जातक हैं वो शिवलिंग का जो अभिषेक है वो घी से करें, तो इससे भी उन्हें अवश्य प्राप्त फायदा प्राप्त होगा। वहीं मकर राशि के, चूंकि इनके राशि स्वामी जो हैं वो शनि हैं और इनके आराध्य भगवान शिव जी हैं, तो आप जल में काले तिल या गंगा जल में काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर जो है आप भगवान शिव का अभिषेक करें। वहीं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके भी राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य भगवान शिव जी हैं, तो आप जो है जल में काले तिल दही दूध आदि चीजें मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है, तो मीन राशि के जातक के जो है राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं, तो आप गन्ने के रस में शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, साथ ही भगवान को बेलपत्र पीले फूल आदि अर्पित करें। तो अगर आप इस विधि से भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो यकीन जानिए आप पर उनकी अवश्य कृपा बरसेगी। जैसा कि आपको पता है कि बुध का राशि परिवर्तन कर्क राशि में होगा 8 जुलाई को, और फिर अभी वर्तमान समय में 7 जुलाई को शुक्र का गोचर सिंह राशि में हो रखा है। आने वाले समय में जो है शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा, क्योंकि बकरी चाल चलकर फिर से शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र और बुध के चलते जो है तीन राशि के जातकों के सावन में सगाई के योग बन रहे, ऐसा केवल बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन के आधार पर मैं जानकारी दे रहा हूँ। अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन से अन्य राशि के जातकों के भी सगाई के योग अवश्य ही बन रहे होंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो देखें, अन्यथा आप अगले वीडियो तक का इंतजार करें। तो बुध जो है वो मिथुन व कन्या राशि के स्वामी होते हैं, कि कृपा से ही जातक विद्वान होता है, उनकी तर्क क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल में वो बेहतर होता है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। सूर्य शुक्र राहु के साथ ये मित्रता रखते हैं, तो चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। शनि मंगल बृहस्पति और केतु के साथ इनका संबंध तटस्थता है। ये बुद्धि वाणी शिक्षा शिक्षण गणित तर्क यांत्रिकी ज्योतिषी लेखाकार आयुर्वेद लेखन प्रकाशन रंगमंच एवं निजी व्यवसाय के कारक माने जाते हैं। बुध मस्तिष्क जीवा स्नायुतंत्र कंठ ग्रंथि त्वचा गर्दन आदि के प्रतिनिधि हैं। नकारात्मक प्रभाव अगर बुध का पड़ता है तो शीघ्र विवाह के योग भी नहीं बनते हैं, साथ ही स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, सिर दर्द की समस्या होती है, त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी जो है परेशानियां बुध के कमजोर होने पर बुध के अस्त नहीं होने पर होती है। वहीं बुध के अस्त रहने पर विवाह में भी देर होती है। बुध अगर कमजोर है तो महिला पक्ष के साथ संबंध मधुर रखने चाहिए। आइए मैं आपको उन तीन राशियों की पूरी जानकारी देता हूँ। तो प्रथम जो राशि है वो मेष राशि है, चूंकि गुरु का राशि परिवर्तन मेष में हो रखा है और मेष राशि के जातकों के लिए सावन के महीने में शुभ योग है, अगर आप उन उपायों को करते हैं जो मैंने आपको विधिवत बताई है। तो राशि नाम अक्षर ALE से होता है। इनके राशि स्वामी मंगल है, आराध्य देव जो हनुमान जी है। भाग्यशाली रंग इनका लाल है, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि धातु तांबा एवं सोना है। राशि स्वरत्न मूंगा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार मंगलवार गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूलत मूंगा पुकरा तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है। राशि प्रकृति पित्त है। शादी किस दिशा में होगी? अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो दक्षिण और पूर्व दिशा में विवाह के प्रबल योग। किस नाम से हो सकती है? तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए विवाह के योग जो है वो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक और एम नाम के जातक के साथ अधिक योग बन रहे हैं। मीन और धनु राशि के साथ विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अगली राशि वो कर्क राशि है, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन कर्क में हुआ है और आने वाले समय में शुक्र का भी राशि परिवर्तन कर्क राशि में। तो कर्क राशि के जो राशि स्वामी है चंद्रमा है, आराध्य देव शिव जी ही है, तो आप शिव जी की पूजा उपासना सावन के महीने में सच्ची श्रद्धा से कीजिए। भाग्यशाली रंग दूधिया है। शिव जी का जो है दूध से अभिषेक करें। भाग्यशाली अंक आपका 4 है। राशि धातु लोहा चांदी तांबा है। राशि शुभरत्न मोती है, मोती धारण कर सकते हैं। राशि अनुकूलवार सोमवार है, तो सोमवार का व्रत अवश्य रखें। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं दक्षिण है, तो दक्षिण और पूर्व दिशा में जो है विवाह प्रस्ताव लेकर जा सकते हैं। राशि प्रकृति कफ है। शादी किस दिशा में होगी? तो शादी ईशान कोण में होने के प्रबल योग बन रहे हैं। किससे करना सही रहेगा? तो मेष राशि और मीन राशि के साथ विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। और बात करें दिशा की, तो उत्तर और पश्चिम दिशा विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपकी सगाई के जो योग हैं सावन महीने में, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक,
एम नाम के जातक और एल नाम के जातक से बन रहे हैं। अगली और अंतिम जो राशि है वो सी राशि है, चूंकि शुक्र का गोचर सी राशि में होने वाला है और सावन के महीने में ही होगा, तो सी राशि के जातक के रिश्ते अवश्य तय होंगे। इनके राशि नाम अक्षर एम से होते हैं। राशि स्वामी सूर्य है, आराध्य देव विष्णु जी है। भाग्यशाली अंग इनका सुनहरा है, भाग्यशाली अंग इनका 5 है। राशि धातु तांबा सोना है। राशि शुभरत्न माणिक्य है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूलवार रविवार मंगलवार और गुरुवार है। राशि अनुकूल माणिक्य मूंगा तथा पुखराज है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है। राशि प्रकृति पित्त है। शादी गुरु दिशा में होने के प्रबल योग बना रहा है। विवाह MKSG नाम से प्रबल योग बन रहे हैं, यानी इस नाम से सावन महीने में आपकी सगाई हो सकती है। धनु राशि के साथ अगर आप पढ़ने सूत्र में बनते हैं तो यह ज्यादा श्रेष्ठ करोगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने बंधु को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसती रहे। भगवान शिव की कृपा से आप स्वस्थ और सुखी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार। जय श्री दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। जय वाहेगुरु।